नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में। यदि स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज के छात्र हैं तो ये वाला टेलीग्राम जरूर ज्वाइन करके रखिए। यूट्यूब चैनल में हमारे साथ है तो भी ये वाला टेलीग्राम ज्वाइन करना बहुत ज्यादा जरूरी है। सारे नोटिफिकेशन, सारे अपडेट, सारे मोस्ट इंपॉर्टेंट पिक्स, सारा रिवीजन सब कुछ यहाँ पे बताया जाता है। टेस्ट को ध्यान से अटेम्प्ट करिए और बताइए कितना स्कोर आपने किया है, कितने सही किए हैं टोटल क्वेश्चन में से। सभी लोग अपना अपना स्कोर जरूर कमेंट करिए। नमस्कार, मैं हूं ओम द्विवेदी और स्वागत है आपका स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में, जिसमें आज हम यूपीपीसीएस आरओएआरओ के कुछ क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। और शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं कि स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज के कई फ्री और पेड कोर्सेज यूट्यूब और टेलीग्राम पर मौजूद हैं, जिन्हें आप इस लिंक के थ्रू और इन दो नंबर्स पे कॉल करके ज्वाइन कर सकते हैं। और हमारा पहला क्वेश्चन है कि मैच करिए इसको, देखिए ऋतु संहार है ये किसने लिखी है, कालिदास ने, और रावण वध, बृहद संहिता और योगाचार्य, तीन बुक्स और हैं इनको मिलाइए। तो देखिए रावण वध है जो ये वत्स भट्टी का है, और बृहद संहिता वाराहमिहिर, और योगाचार्य है जो वो असंग की है। ठीक है, तो सभी करेक्टली मैच्ड है, तो आंसर हो जाएगा ए। हर्षवर्धन के प्रशासन के अधिकारियों का मिलान करें, ये भी मैच द फॉलोइंग है, मिलाते हैं। देखिए सिंहनाद, कुंतल, स्कंदगुप्त और सामंत। ठीक है, तो ये देखिए सिंहनाद किसको कहते थे, सेनापति को। कुंतल होता था अश्वसेना का प्रधान, और स्कंदगुप्त हुआ हस्त सेना का प्रधान, और आपका सामंत हुए नागरिक प्रशासन का प्रमुख। ठीक है, चारों ही सही है, आंसर ए 1, 2, 3, 4। निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। देखिए राज्याभिषेक के 8वें वर्ष 261 ईसा पूर्व अशोक ने कलिंग पर आक्रमण किया। दूसरा, देखिए प्लिनी के अनुसार अशोक ने कलिंग को व्यापार व्यवसाय की दृष्टि से महत्वपूर्ण समझकर इस पर आक्रमण किया। अब इसमें सही वाला आपको बताना है। ठीक है, तो देखिए दोनों ही स्टेटमेंट सही हैं, आंसर हो जाएगा सी। निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पुलकिशन सेकेंड का हर्ष के साथ नर्मदा के तट पर युद्ध हुआ। दूसरा, देखिए ऐहोल अभिलेख से पता चलता है कि युद्ध में हर्ष ने पुलकिशन द्वितीय को पराजित किया था। तो देखिए ये स्टेटमेंट गलत है, क्योंकि ये उल्टा लिखा हुआ है। ऐहोल इंस्क्रिप्शन में आपको पता चलता है कि युद्ध में पुलकिशन सेकेंड ने हर्ष को पराजित किया था। ठीक है, और ये स्टेटमेंट एकदम सही है कि नर्मदा के तट पर यह आक्रमण हुआ था। सत्य वाला आपको बताना है, आंसर हो जाएगा ए। निम्नलिखित में से कौन प्रसिद्ध महिला शाहजहां के बंदी समय में उनके साथ रही, अस्तर बेगम, जहां आरा, जेबुन्निसा या मुमताज महल। तो देखिए बंदी जीवन के समय जो उनके साथ रही वो सबसे प्यारी बेटी थी जहां आरा। निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। मुगल कालीन स्थापत्य कला मध्य एशिया की इस्लामी और भारतीय कला का मिश्रित रूप है। दूसरा, देखिए 1533 में हुमायूं ने दिल्ली में दीनपनाह नामक एक नगर का निर्माण करवाया जो आज पुरानी दिल्ली के नाम से विकसित है। इसमें सत्य वाला आपको बताना है। तो देखिए ये क्वेश्चन एकदम, ये स्टेटमेंट एकदम सही है, और ये दूसरा है ये गलत स्टेटमेंट है, क्योंकि यहाँ पर पुरानी दिल्ली ना होकर के आज की डेट में उसको पुराने किले के नाम से जाना जाता है। ठीक है, तो ये गलत हो गया, और बाकी ये दीनपनाह वाला आधा स्टेटमेंट इसका सही है, तो ए आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से किन्हें भारतीय प्रेस की स्वतंत्रता के समर्थक के रूप में जाना जाता है, लॉर्ड हास्टिंग्स हो गए, लॉर्ड विलियम बेंटिक हो गए, लॉर्ड रिपन हो गए और लॉर्ड कैनिंग हो गए। तो देखिए समर्थक के रूप में अगर कहेंगे तो कैनिंग को छोड़ करके बाकी ये तीनों ही समर्थक थे। ठीक है, कैनिंग नहीं है, तो आंसर 1, 2 और 3 सी आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन समाचार पत्र और पत्रिका हिंदी और गुजराती दोनों भाषाओं में प्रकाशित हुई। तो देखिए यंग इंडिया, नवजीवन और हरिजन, ये तीनों ही किसकी हैं, महात्मा गांधी की हैं, है ना। और ये इनमें से यंग इंडिया को छोड़कर के नवजीवन और हरिजन हैं, ये दोनों ही हिंदी और गुजराती दोनों में प्रकाशित हुई, तो आंसर हो जाएगा 2 और 3 बी आंसर। ठीक है, निम्नलिखित कथनों पर ध्यान दें। अंग्रेजी शासन की स्थापना पहला, दूसरा देखिए प्राच्यवादियों द्वारा भारत के अतीत का वैभवशाली बताना, तीसरा उत्कृष्ट रचनात्मक साहित्य, ये तीन किस चीज के लिए हैं। इनमें से आपको बताना है कि कौन से कथन भारत में सामाजिक और सांस्कृतिक जागरण के लिए उत्तरदायी कारण माने जा सकते हैं। तो ये तीनों ही ऐसे कारण हैं जो इंपॉर्टेंट कह सकते हैं, तो आंसर हो जाएगा डी। निम्नलिखित में से कौन सा सामाजिक सुधार अधिनियम लॉर्ड वेलेस्ली के समय में पारित हुआ, विधवा विवाह पर अनुमति, अंतरजातीय विवाह पर अनुमति, शिशु हत्या पर प्रतिबंध और शारदा एक्ट। तो देखिए इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा शिशु हत्या पर
प्रतिबंध, लेकिन ये सब किसके किसके समय में आए हैं ये भी पता होना चाहिए। ये तो सी वाला तो हो गया आपका वेलेसली के टाइम का, ठीक है। विधवा विवाह पर जो अनुमति है ये आपका लॉर्ड कैनिंग के टाइम पर लागू हुआ, और जो अंतरजातीय विवाह है वो नॉर्थ ब्रुक के टाइम पर, और शारदा एक्ट है जो वो लॉर्ड इरविन के टाइम पर, ठीक है। इसके अलावा एक सती प्रथा है वो लॉर्ड विलियम बेंटिंक। निम्नलिखित कथनों पर विचार करें, स्थलीय ग्रह मूल तारों के निकटवर्ती हैं, टेरेस्ट्रियल प्लैनेट्स आर फॉर्म्ड इन द क्लोज विसिनिटी ऑफ द पेरेंट स्टार, जबकि जोवियन ग्रह काफी दूर होते हैं, वाइल द जोवियन प्लैनेट्स वर फॉर्म्ड एट क्वाइट अ डिस्टेंस लोकेशन। सही स्टेटमेंट है। दूसरा देखिए, स्थलीय ग्रह जोवियन ग्रहों की तुलना में छोटे होते हैं, टेरेस्ट्रियल प्लैनेट्स आर स्मॉलर देन द जोवियन प्लैनेट्स एंड देयर लोअर ग्रेविटी कुड नॉट होल्ड द एस्केपिंग गैस, और उनका जो गुरुत्वाकर्षण बल है वो गैसों को पकड़ नहीं सकता है। तो इनमें से कौन सा सही वाला है ये आपको बताना है। तो आंसर हो जाएगा सी, दोनों ही सही है। निम्नलिखित कथनों पर विचार करें, पी तरंगे केवल ठोस पदार्थ के माध्यम से यात्रा कर सकती हैं। दूसरा देखिए, पी तरंगे ध्वनि तरंगों के समान होती हैं, ठीक है। तो सही वाला आपको बताना है। तो देखिए, ये साउंड वेव्स के सिमिलर होती हैं, ये तो सही है स्टेटमेंट, ठीक है। दूसरा वाला है जो पी केवल ठोस है ना, ये स्टेटमेंट गलत हो जाएगा, क्योंकि ये सॉलिड लिक्विड और गैस तीनों में ट्रेवल कर सकती हैं, ठीक है। तो ये स्टेटमेंट गलत, पहले दूसरा सही। तो आंसर हो जाएगा बी, ठीक है। निम्नलिखित कथन पर विचार करें, शील्ड ज्वालामुखी पृथ्वी के सभी ज्वालामुखियों में से सबसे बड़े हैं, द शील्ड वोल्केनोज आर द लार्जेस्ट ऑफ ऑल द वोल्केनोज ऑफ द अर्थ। दूसरा देखिए, शील्ड ज्वालामुखी का सबसे प्रसिद्ध उदाहरण हवाईयन ज्वालामुखी है, मोस्ट फेमस एग्जाम्पल ऑफ द शील्ड वोल्केनो इज हवाईयन वोल्केनो। तो इनमें करेक्ट वाला आपको बताना है। तो इस क्वेश्चन में दोनों ही सही स्टेटमेंट्स हैं। तो आंसर हो जाएगा सी। महाद्वीपीय विस्थापन के समर्थन में निम्नलिखित में से कौन सा प्रमाण है, एविडेंस बताना है कि विच ऑफ द फॉलोइंग आर द एविडेंस इन द सपोर्ट ऑफ कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट। देखिए, जिक्शॉफिट सागर में एक ही उम्र की चट्टाने और जीवाश्मों का वितरण, मतलब डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द फॉसिल्स है ना, सेम फॉसिल जो इधर मिले वही दूसरी तरफ भी मिले, है ना, सेम रॉक्स जो सेम एज की रॉक वो इधर भी मिली और इधर भी मिली, है ना, दोनों तरफ मिली। तो इससे पता चलता है कि कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट के ये एविडेंस हो सकते हैं। तो तीनों ही इसमें आंसर है, आंसर डी। ITCZ में हवा संवहन के कारण बढ़ती है, जो उच्च इंसुलेशन और कम दबाव के कारण होता है। द एयर एट द ITCZ दैट राइजेस बिकॉज ऑफ द कन्वेक्शन कॉज्ड बाय द हाई इंसुलेशन एंड लो प्रेशर। दूसरा देखिए, ट्रॉपिक्स यानी कि आयन सीमा पर बनने वाले जो सेल्स होते हैं, है ना, ट्रॉपिक्स पर जो सेल्स बनते हैं, ठीक है, पहले ये यहाँ पर हेडली सेल बनता है, फिर फेरल सेल बनता है ना, ये पोलर सेल बनते हैं, तो वो जो सेल्स हैं उसको क्या कहते हैं, यहाँ पर वगैरह कि फेरल सेल बनते हैं ना, जबकि ट्रॉपिक्स पे क्या बनते हैं, हेडली सेल्स। तो ये वाला गलत हो गया और ये वाला सही हो गया, तो ओनली वन आंसर हो जाएगा इसका। अगला देखिए, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें, आर्कटिक महासागर में साइबेरियाई शेल्फ दुनिया में सबसे बड़ा है, जो चौड़ाई में 1500 किलोमीटर तक फैला हुआ है। तो ये तो आपका सही स्टेटमेंट है। दूसरा देखते हैं, महाद्वीपीय समतल सीमा महाद्वीप के अंत को इंगित करती है, मतलब कॉन्टिनेंटल शेल्फ की बात कर रहे हैं, तो कॉन्टिनेंटल शेल्फ है वो कॉन्टिनेंट के एंड पॉइंट को बताता है। तो ये स्टेटमेंट इसका गलत है। क्यों गलत है, क्योंकि वो कॉन्टिनेंटल स्लोप है जो बाउंड्री को इंडिकेट करता है कॉन्टिनेंट की, ठीक है। तो इसमें से सही वाला आपको बताना था, तो ओनली वन आंसर हो जाएगा, ए आंसर। अगला देखते हैं, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें, हमारे देश की दक्षिणी सीमा बंगाल की खाड़ी में 6 डिग्री 45 मिनट उत्तर अक्षांश के साथ निर्धारित होती है। द सदर्न बाउंड्री ऑफ अवर कंट्री इज सेट इन अ बे ऑफ बंगाल विद 6 डिग्री 45 मिनट्स नॉर्थ लेटिट्यूड। दूसरा देखिए, विश्व में देशों में आपसी समझ के तहत मानक योग्यांतर को 7 डिग्री 30 मिनट देशांतर के गुणांक पर चुना गया है। अंडर द म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग ऑफ द कंट्रीज ऑफ द वर्ल्ड द स्टैंडर्ड मेरिडियन इज चूजन ऑन द मल्टीपल ऑफ लॉन्गिट्यूड, कितना, 7 डिग्री 30 मिनट, ठीक है। तो इनमें से सच वाला आपको, सही वाला आपको
बताना है। तो देखिए ये 7 डिग्री 30 मिनट का मल्टीपल है, इसीलिए हमारा 82 30 पर है ना, तो ये तो सही है और ये भी सही है, ठीक है। तो आंसर हो जाएगा सी बोथ। निम्नलिखित को उत्तर से दक्षिण की ओर मिलाएं, ठीक है, ऊपर से नीचे की ओर है ना। तो इनको आप पहले मैप में, मैप बेस्ड क्वेश्चन को आप मैप में जरूर लोकेट करें। देखिए बॉमडिला, डाफला श्रेणी, जयंतिया श्रेणी या मिजो श्रेणी है ना, तो आप नॉर्थ ईस्ट का मैप खोलेंगे तो सब आपको लाइन से मिल जाएंगे। सबसे ऊपर बॉमडिला, फिर उसके बाद डाफला, फिर उसके बाद इधर गारो खासी जयंतिया, तो जयंतिया यहाँ पड़ेगी और फिर इधर मिजो हिल्स, ठीक है। तो लाइन से ही है सब, आंसर हो जाएगा 1 2 3 4 ए आंसर। पश्चिम की ओर बहने वाली नदियों को उनके जल ग्रहण क्षेत्र के अनुसार व्यवस्थित करें, यानी कि कैचमेंट एरिया के हिसाब से करना है स्क्वायर किलोमीटर्स में। देखिए साबरमती हो गया, शरावती हो गया, माही और पेरियार, तो इनमें से सबसे ज्यादा लंबी कौन सी है और कैचमेंट एरिया किसका होगा, अंदाज से भी लगा सकते हैं कि माही का ही होगा, है ना। तो आंसर यहीं से लग गया, एक ही है क्योंकि ऑप्शंस में, जिसमें आप डायरेक्टली लगा सकते थे सी, ठीक है। आगे जानकारी के लिए याद नहीं करना है, देख लेते हैं कि कितना है इसका। इसका कैचमेंट एरिया है आपका 34,842 स्क्वायर किलोमीटर। उसके बाद साबरमती का है 21,674 स्क्वायर किलोमीटर, और पेरियार का है 5,243 स्क्वायर किलोमीटर, और शरावती का है 2,029 स्क्वायर किलोमीटर, ठीक है। तो इस हिसाब से सी आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन पूर्व की ओर बहने वाली नदियां हैं, ठीक है, ईस्ट की ओर कौन सी बहती है बताना है आपको। सुवर्णरेखा, वैतरणी, ब्राह्मणी या पालर, ठीक है, तो बताइए। तो इस क्वेश्चन का आंसर है ऑल द अबव, सभी हैं जो वो पूर्व की ओर बहती हैं। मिलान करिए, ये कोपन के जो क्लाइमेटिक डिविजन हैं उसके हिसाब से लगाया हुआ है, तो करना है आपको। देखिए बी डब्ल्यू एच डब्ल्यू, ये क्या है, सी डब्ल्यू जी ई और ए एम डब्ल्यू। तो इसमें देखिए बी एम डब्ल्यू एच डब्ल्यू क्या है, गर्म मरुस्थल, सी डब्ल्यू जी है शुष्क शीत ऋतु वाला मानसूनी प्रकार, और ई का मतलब है ध्रुवीय मतलब पोलर प्रकार, और ए एम डब्ल्यू है लघु शुष्क ऋतु वाला मानसून प्रकार, ठीक है, शॉर्ट ड्राई मानसून टाइप। तो इस क्वेश्चन का आंसर है ए। और हाँ, जितने भी डिविजन्स हैं कॉपन के वो आपको कमेंट्स के माध्यम से बताने हैं, और सबका क्या क्या सिग्निफिकेंस है वो भी बताना है कि कौन किससे रिलेटेड है, ठीक है। तो निम्नलिखित को पश्चिम से पूर्व की ओर मिलाना है, कंचनजंगा, नोक्रेक, मानस और दिब्रू शैखोवा, ठीक है। तो चारों ही पूर्व से पश्चिम से पूर्व ही लगे हुए हैं सारे, ठीक है। सबसे पहले कंचनजंगा, फिर नोक्रेक, फिर उसके बाद मानस और फिर दिब्रू शैखोवा, ठीक है। तो ए आंसर हो जाएगा इसका। निम्नलिखित कथनों पर विचार करें, देखिए एडजर्नमेंट मोशन और प्रोरोगेशन इनके बारे में है। देखिए एडजर्नमेंट न केवल बैठक को बल्कि सदन के एक सत्र को ही समाप्त कर देता है, और प्रोरोगेशन है जो वो केवल बैठक को समाप्त करता है, ना कि सदन के एक सत्र को, ठीक है। तो इनमें से सही वाला आपको बताना है। तो देखिए ये दोनों ही गलत है, ये आपस में मिसमैच्ड है, ठीक है। आंसर हो जाएगा डी, न तो एक न तो दो। निम्नलिखित में से किस चुनाव में एकल हस्तांतरणीय वोट प्रणाली, यानी कि सिंगल ट्रांसफरेबल वोट सिस्टम को अडॉप्ट किया जाता है, अपनाया जाता है, और लिस्ट सिस्टम को नहीं अपनाते। देखिए राज्यसभा के चुनाव में, राज्य विधान परिषद के चुनाव में, या उपराष्ट्रपति के चुनाव में। तो इनमें से आप देखेंगे कि तीनों ही ऐसे हैं जिसमें सिंगल ट्रांसफरेबल वोट सिस्टम का यूज होता है। अनुसूची 10 के तहत दल बदल के मामले में संसद सदस्य की अयोग्यता का प्रश्न निम्नलिखित द्वारा तय किया जाता है, कौन डिसाइड करता है, वो प्रेसिडेंट डिसाइड करते हैं कि राज्यसभा के चेयरमैन डिसाइड करते हैं, या फिर स्पीकर ऑफ लोकसभा, लोकसभा के अध्यक्ष डिसाइड करते हैं। तो देखिए लोकसभा के मामले में लोकसभा के अध्यक्ष, और राज्यसभा के मामले में राज्यसभा के सभापति। तो आंसर हो जाएगा 2 और 3, डी आंसर हो जाएगा। 20वें क्वेश्चन को देखिए कि निंदा प्रस्ताव के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें कि इसे लोकसभा में इसके अपनाने का कारण बताना चाहिए। दूसरा, यदि यह लोकसभा में पारित हो जाता है तो मंत्रिपरिषद को पद से इस्तीफा देना चाहिए। इनमें से सही वाला बताना है आपको, सेंश्योर मोशन के बारे में। तो सेंश्योर मोशन में देखिए कि जब ये काउंसिल ऑफ मिनिस्टर को रिजाइन करना जरूरी नहीं होता है,
तो इस ये वाला स्टेटमेंट आपका गलत हो जाएगा, क्योंकि रिजाइन करना किसमें, नो कॉन्फिडेंस मोशन जब पास होता है तो उसमें जरूरी हो जाता है, लेकिन इसमें नहीं होता, तो ये गलत हो जाएगा और ये वाला सही है। तो ओनली वन आंसर, निजी बिल यानी कि प्राइवेट मेंबर बिल के बारे में आपको कथनों पर विचार करना है। देखिए, ये सार्वजनिक मामले में विपक्षी पार्टी के रुख को दर्शाता है। दूसरा, सदन में इसकी शुरुआत के लिए 7 दिनों के नोटिस की आवश्यकता होती है, मतलब पहले से 7 दिन पहले नोटिस देना होता है। और इसका प्रारूपण है जो वो सदस्य की स्वयं की जिम्मेदारी होती है। ठीक है, तो सही वाला आपको बताना है। तो देखिए, इसमें सेकंड स्टेटमेंट गलत है, क्योंकि 7 दिन पहले नहीं बताना होता प्राइवेट मेंबर बिल में, प्राइवेट मेंबर बिल में 1 महीने पहले का नोटिस देना होता है। ठीक है, तो ये स्टेटमेंट गलत, पहला और तीसरा सही है, आंसर हो जाएगा सी। निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। देखिए, पंचायती राज व्यवस्था बनाने वाले राज्य कानूनों में 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के जो कंपलसरी वाले प्रोविजंस हैं उनको शामिल किया गया था, है ना। दो तरह के प्रोविजंस होते हैं, कंपलसरी और दूसरा वॉलंटरी प्रोविजंस। ठीक है, तो इसी ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। दूसरा, देखिए, स्वैच्छिक प्रावधान यानी कि वॉलंटरी प्रोविजंस को राज्यों के विवेक पर शामिल किया जा सकता है, तो सही वाला आपको बताना है ना, ये भी स्टेटमेंट सही है, दोनों ही सही है, तो आंसर सी। निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। स्थानीय स्वशासन का विषय संविधान की 7वीं अनुसूची के तहत राज्य सूची में उल्लिखित है। दूसरा, देखिए, राज्य चुनाव आयुक्त को राज्यपाल द्वारा नियुक्त किया जाता है, स्टेट इलेक्शन कमिश्नर इज अपॉइंटेड बाय द गवर्नर। तो देखिए, सत्य वाला इसमें बताना है, दोनों ही स्टेटमेंट ट्रू है। ठीक है, आंसर सी। निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। एसपीएससी के जो अध्यक्ष हैं, मतलब स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन के जो अध्यक्ष हैं, उनके अनुरोध पर यूपीएससी यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन राज्य की आवश्यकता की पूर्ति भी कर सकता है। दूसरा, राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष को हटाने के संबंध में सर्वोच्च न्यायालय की सलाह राष्ट्रपति के लिए बाध्यकारी हो जाती है। इनमें से कौन सा सही है ये आपको बताना है। तो देखिए, दूसरा स्टेटमेंट सही है, पहला स्टेटमेंट गलत है, क्योंकि यहाँ पर यूपीएससी के जो वो करेंगे कि जो आवश्यकता की पूर्ति करते हैं वो एसपीएससी के अध्यक्ष के अनुरोध पर नहीं, गवर्नर के अनुरोध पर करते हैं। ठीक है, तो ये पहला गलत, दूसरा सही, तो आंसर हो जाएगा बी। उसके बाद देखते हैं 31st क्वेश्चन, जो कि भारत के सीएजी यानी कि कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया के बारे में विचार करना है आपको, कि उनका जो वेतन और उनकी अन्य सेवाएं शर्तें हैं जो वो संसद द्वारा निर्धारित की जाती हैं। दूसरा, देखिए, वह राष्ट्रपति की इच्छा तक अपना पद ग्रहण नहीं संभालते। ठीक है, नहीं संभालते। ठीक है, ही डज नॉट होल्ड हिज ऑफिस टिल द प्लेजर ऑफ द प्रेसिडेंट। तो देखिए, ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है, और जो पहला स्टेटमेंट है हमारा वो भी एकदम सही है। ठीक है, क्योंकि सैलरी और जो अदर सर्विसेज है वो भी पार्लियामेंट डिसाइड करता है, तो ट्रू वाला इसमें बताना है, आंसर सी, बोथ ट्रू। अगला देखिए, कि निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। अब ये स्पीकर और जो डिप्टी स्पीकर की संस्था है उसकी शुरुआत 1921 में भारत में हुई। दूसरा, देखिए, सच्चिदानंद सिन्हा है जो, उनको 1921 में केंद्रीय विधानसभा के पहले उपाध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया। तीसरा, 1925 में विट्ठल भाई पटेल केंद्रीय विधानसभा के पहले भारतीय और पहले निर्वाचित स्पीकर बने। ये तीनों ही स्टेटमेंट सही हैं, आंसर डी। भारतीय वायुसेना के कमांडो को उनके मुख्यालय के से मिलान करें। देखिए, सेंट्रल एयर कमांड, ट्रेनिंग कमांड, मेंटेनेंस कमांड या पश्चिमी वायु कमांड यानी वेस्टर्न एयर कमांड, तो इनके मुख्यालय कहाँ कहाँ है बताइए। तो देखिए, सेंट्रल एयर कमांड इलाहाबाद में है, ट्रेनिंग कमांड बेंगलोर में है, मेंटेनेंस कमांड नागपुर में है, और पश्चिमी वायु कमांड है जो वो नई दिल्ली में है। तो चारों ही सही मैच, आंसर ए। अगला देखिए, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। जर्मेनियम और सिलिकन है जो, ये दो इंपॉर्टेंट कंडक्टर्स हैं, है ना। दूसरा, रेक्टिफायर एक उपकरण है जो एसी को डीसी में कन्वर्ट कर देता है, तो सत्य वाला आपको बताना है। देखिए, ये तो सही है रेक्टिफायर वाला, लेकिन ये स्टेटमेंट गलत है, क्योंकि कंडक्टर ना होकर के सेमी कंडक्टर है। ठीक है, तो पहला गलत, दूसरा सही, आंसर बी। निम्नलिखित में से कौन सही ढंग से मेल नहीं खाता, यानी कि गलत वाला आपको बताना है। देखिए, कम्यूटेटर, बोलोमीटर, टोनोमीटर और वोल्टमीटर। ठीक है, तो कम्यूटेटर है जो, वो
डायरेक्शन चेंज करता है इलेक्ट्रिक करंट की, बोलोमीटर है जो वो हीट रेडिएशंस को नापने के काम आता है, टोनोमीटर है जो वो पिच ऑफ ए साउंड नापने के काम आता है, ध्वनि की जो पिच होती है उसको मापने काम आता है, और जो वोल्ट मीटर है वो इलेक्ट्रिक करंट को दो पॉइंट्स के बीच में नापने के काम आता है। तो इसमें डी आंसर इसमें गलत है ऑप्शन। क्यों गलत है? क्योंकि ये इलेक्ट्रिक करंट नहीं, पोटेंशियल डिफरेंस के लिए यूज होता है, पोटेंशियल डिफरेंस। ठीक है, केंद्र प्रसारक बल सेंट्रिपिटल फोर्स के उदाहरण बताने हैं आपको। देखिए, सूर्य के चारों ओर ग्रह की गति, सड़क का जो घुमाव, बैंकिंग ऑफ रोड्स जो होता है, और क्रीम सेपरेटर, तो इनमें से कौन सा है सेंट्रिपिटल फोर्स का एग्जांपल? तो देखिए, ये पहला और दूसरा है जो ये दोनों सेंट्रिपिटल फोर्स के एग्जांपल है, तीसरा है जो ये सेंट्रीफ्यूगल फोर्स का एग्जांपल है। तो 1 और 2 आंसर हो जाएगा इसका, आंसर ए। निम्नलिखित में से कौन सी बीमारी है जो वो ऑक्सीजन की कमी से होती है, है ना, इन सब्जियों में? आलू का काला हृदय रोग, ब्लैक हार्ट डिसीज ऑफ पोटैटो, मटर का मार्च रोग यानी कि मार्च डिसीज ऑफ पी, शलजम का कॉटर स्पॉट, और नींबू का छोटा पत्ता, पत्ता छोटा रह जाता है ना। तो ऑक्सीजन की कमी से होता है आपका आलू का काला हृदय रोग यानी कि हार्ट डिसीज ऑफ पोटैटो, और जो मटर का मार्च रोग है ये आपका किसकी कमी से होता है? ये होता है मैग्नीशियम की कमी से। ठीक है, शलजम का जो क्वार्टर स्पॉट है ये आपका होता है कैल्शियम और मॉलीबेडनम के से की कमी से, और नींबू का जो छोटा पत्ता है ये होता है कॉपर की कमी से। ठीक है, तो याद रखना है आपको। निम्नलिखित कथनों पर विचार करें, कार्बन मोनोऑक्साइड हीमोग्लोबिन के साथ मिलकर ऑक्सीजन की तुलना में अधिक तेजी से बढ़ता है, सबसे महत्वपूर्ण इंडोर वायु प्रदूषक रेडॉन गैस है, इनमें से कौन सा सही है ये आपको बताना है। तो देखिए, दोनों ही स्टेटमेंट सही है, आंसर हो जाएगा सी। निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है, ओजोन छिद्र के लिए जिम्मेदार प्रदूषक CFC है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, और जो SO2 प्रदूषक है उसका सबसे अच्छा संकेतक है जो वो शैवाल है, है ना, सही वाला आपको बताना है। तो देखिए, ये स्टेटमेंट गलत है क्योंकि लाइकेन्स हैं, ठीक है, जो सबसे अच्छे इंडिकेटर्स होते हैं सल्फर डाइऑक्साइड के पोल्यूशन के लिए। तो दूसरा गलत, पहला सही, आंसर ए। निम्नलिखित कथनों पर विचार करें, मनोविकृति साइकोसिस मानसिक बीमारी का एक हल्का रूप है जहां रोगी लंबे समय तक भावनात्मक प्रतिक्रिया दिखाता है। दूसरा देखिए, सिज़ोफ्रेनिया है जो वो एक मानसिक बीमारी है जिसमें रोगी तथ्यों को नहीं बल्कि कल्पना को ही सच मान लेते हैं। ठीक है, तो सही वाला आपको इसमें बताना है, दोनों ही स्टेटमेंट सही है, आंसर हो जाएगा सी। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित पक्षी विहार को उनके स्थान के हिसाब से मिलाना है, यूपी का क्वेश्चन है, सांडी, सुरैताल और सोर सरोवर और समसपुर। तो देखिए, सांडी है जो वो हरदोई में है, सुरताल है जो बलिया में है, और सोर सरोवर है आगरा में, और समसपुर रायबरेली में। ठीक है, आंसर हो जाएगा ए। निम्नलिखित कथनों पर विचार करें, पाणिनि रचित अष्टाध्यायी में भी 7 स्वरों का वर्णन मिलता है। दूसरा देखिए, ढोला मारू जो गीत है, लोकगीत है, वो उत्तर प्रदेश के बरेली और बदायूं वाले क्षेत्र में प्रचलित है, तो इनमें आपको सही वाला बताना है। तो देखिए, दूसरा स्टेटमेंट गलत है, पहला स्टेटमेंट सही है। क्यों गलत है ये? क्योंकि जो ये ढोला लोकगीत है ये आगरा और मथुरा, सॉरी मेरठ वाले जो रीजन है वहां पर प्रचलित है। ठीक है, तो ये स्टेटमेंट गलत, तो आंसर हो जाएगा ए। हिंदू मुस्लिम एकता के प्रतीक के रूप में किस उत्सव को आयोजित किया जाता है? ताज महोत्सव को, सुलह कुल महोत्सव को, लठमार होली को, या शबे बारात को? तो देखिए, ये जो सुलह कुल फेस्टिवल है ये हिंदू मुस्लिम एकता के प्रतीक के रूप में मनाया जाता है। उत्तर प्रदेश में कौन कुशीनगर में है, इनमें से क्या है जो कुशीनगर में मौजूद है? देखिए, महात्मा बुद्ध निर्वाण स्तूप, थाई चाइनी चाइना जापान मंदिर, और माया कुंवर बुद्ध प्रतिमा। तो देखिए, ये तीनों ही आपको कुशीनगर में मिल जाएंगे, आंसर हो जाएगा डी। इनका मैच करिए, खेल का सामान मिट्टी के बर्तन, काला धातु के बर्तन और कढ़ाई का काम। तो देखिए, खेल का सामान मेरठ में फेमस है, मिट्टी के बर्तन खुर्जा में, काला धातु के बर्तन आपके मुरादाबाद में, और कढ़ाई का काम रामपुर में। ठीक है, तो आंसर हो जाएगा ए।
निम्नलिखित में से किस संगठन ने वैश्विक जोखिम रिपोर्ट 2021 जारी किया? ठीक है, विश्व बैंक ने, विश्व आर्थिक मंच ने, यूएनडीपी ने या यूएनईपी ने? तो देखिए, ये रिपोर्ट है अभी हाल ही में रिसेंटली जारी की गई है और ये जारी की है वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के द्वारा। पहला बाल सुलभ पुलिस स्टेशन कहां पर उद्घाटन होगा इसका, किस राज्य में? उत्तराखंड में, उत्तर प्रदेश में, बिहार में, राजस्थान में? तो आंसर ए, उत्तराखंड में होगा। किस ट्रेन का नाम बदलकर नेताजी एक्सप्रेस कर दिया गया है? यह हाल ही में अभी जनवरी की न्यूज है, बताइए। हावड़ा कालका मेल को, पूर्वा एक्सप्रेस को, शियालदा एक्सप्रेस को या कोलकाता राजधानी को? तो ये किया है हावड़ा कलकत्ता मेल को, आंसर ए। पद्म पुरस्कार विजेता डॉक्टर डीश वी शांता, इनका हाल ही में अभी निधन हो गया। ये बताना है आपको कि ये किस प्रोफेशन से रिलेटेड है। ऑन्कोलॉजिस्ट हैं ये, हृदय रोग विशेषज्ञ हैं, कार्डियोलॉजिस्ट हैं, हड्डी के डॉक्टर थे, ऑर्थोपेडिक थे या नेत्र विशेषज्ञ थे? ठीक है, ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट थे, तो ये थे ऑन्कोलॉजिस्ट। ठीक है, ए आंसर। भारतीय रिजर्व बैंक ने धोखाधड़ी की रिपोर्टिंग में देरी के लिए निम्नलिखित में से किस बैंक पर 2 करोड़ रुपए का मौद्रिक जुर्माना लगाया? ये अभी जनवरी की ही बात है। ठीक है, तो बताइए, एचडीएफसी बैंक पर लगाया, आईसीआईसीआई पे, सिटी बैंक पे या स्टैंडर्ड चार्टर बैंक पे? तो ये जुर्माना लगाया गया है स्टैंडर्ड चार्टर बैंक इंडिया पर। ठीक है, और ये वो स्लाइड है जिसे आप पॉज करेंगे और आपने जो भी सॉल्व किया है उसको चेक करेंगे और अपना स्कोर हमें कमेंट्स के माध्यम से बताएंगे। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसको सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन की बटन दबाइए। जल्दी मिलेंगे अगले कुछ क्वेश्चंस के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।